फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजू और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मल्टीटास्किंग इंडियन मॉम। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिना पैक कैसे अपने बालों में अप्लाई करना चाहिए अच्छे तरीके से, उसका वीडियो लेके आई हूं। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो हिना पैक आप अपने बालों में कैसे लगाएं ताकि अच्छे तरीके से वो लगे, तो उसके लिए हम पहले अपने बालों को अच्छे तरीके से सुलझा लेंगे, और उसके बाद ताकि हमारे बालों में जो एक भी गांठें हो वो ना हो, उसके बाद ही जो मेहंदी है वो अच्छे तरीके से लग पाएगी। और हमारा जो बाल है उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर तेल रहेगा हमारे बालों में तो मेहंदी का रंग जो है वो नहीं चढ़ेगा, और फिर उसके बाद हमारा बाल जो है वो साफ भी होना चाहिए। तो मेहंदी लगाने से पहले हम अपने बालों के नीचे से एक कोई भी कॉटन का कपड़ा, दुपट्टा या कुछ भी यूज़ कर लेंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है वो ख़राब ना हो। उसके बाद आप चाहे तो हेयर ब्रश यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो आप हाथ से लगा सकते हैं। मैं आपको हाथ से लगाना बताऊंगी। उसके लिए आप पहले एक ग्लव्स, प्लास्टिक ग्लव्स को अपने हाथों में अच्छे तरीके से पहन लीजिए। इससे जो है हमारा मेहंदी हाथ पे नहीं लगेगा, मेहंदी का रंग जो है वो हाथ पे नहीं चढ़ेगा। और फिर उसके बाद अपने बालों को जो हमारा पका हुआ एरिया है बाल का, उस जगह पे हम थोड़ा अच्छे तरीके से लगाएंगे। या फिर आपको सिर्फ एज अ कंडीशनर मेहंदी को यूज़ करना है तो हम उस तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेहंदी जो है वो सबसे अच्छा कंडीशनर होता है हमारे बालों के लिए। और मेहंदी में अगर हम आधा नींबू डाल दें और एक चम्मच कॉफ़ी डाल दें तो वो जो है वो हमारे डैंड्रफ के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पैक लगाना। तो हमने इस तरीके से मेहंदी को घोला है, एकदम मीडियम होना चाहिए ताकि वो हमारे बालों पे अच्छी तरीके से अप्लाई हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पैक लगाना। उसके लिए हम पहले अपने हाथों पर थोड़ा सा मेहंदी लेके और फिर सेंटर में धीरे 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 इसको अप्लाई करेंगे। और फिर धीरे धीरे अपने बालों को हटाते हुए चाहे तो ग्लव्स पहन सकते हैं, क्योंकि दूसरे हाथ का भी यूज होता है। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा बाल लेते हुए और अपने हिना पैक को अप्लाई करेंगे अपने बालों के ऊपर। अब हम इधर के पोर्शन में लगाना स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसेस हमको इधर भी फॉलो करना है, वैसे ही हम इधर भी लगाएंगे। अब हमारे दोनों साइड में मेहंदी लग गया है। अब हम अपने सेंटर में मेहंदी लगाएंगे। हम अपने थोड़े थोड़े बालों को हटाते हुए मेहंदी अप्लाई करेंगे ताकि हमारे जो स्कैल्प में है वो अच्छे तरीके से मेहंदी लगे और हमारे बाल अच्छे तरीके से कंडीशनर हो और हमारे बालों में अच्छा कलर आए और वो शाइनी बने। मेहंदी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, उससे हमारे बाल स्ट्रांग भी होते हैं और शाइनी हेयर होते हैं। आप वो मार्केट का कोई भी कलर, हेयर कलर यूज़ करें, उससे अच्छा है कि आप हिना पैक घर में ही बना के और उसे यूज़ करें, वो बहुत ही अच्छा होगा। उसमें कोई केमिकल नहीं होते, वो आपके बालों को हार्म नहीं करेगा और आपके बालों के लिए वो अच्छा रहेगा। Thank you.
हमारे पूरे बालों के ऊपर से मेहंदी लग गया है। अब हम अपने बालों के नीचे के हिस्से में मेहंदी अप्लाई करेंगे। अब हम पहले ऊपर में एक हल्का सा मेहंदी का लेयर लगा देंगे ताकि हमारे बाल जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। और मेहंदी लगाने के बाद दोस्तों हम कम से कम 2 से 3 घंटे इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे, तभी हमारा जो मेहंदी का कलर है वो अच्छा आएगा। अब हम नीचे के पोर्शन में भी मेहंदी लगा लेंगे ताकि क्योंकि हमारे नीचे के बाल को भी कंडीशनर की जरूरत होती है, नहीं तो वो बेजान से और अपने दोनों हाथों में ऐसे मेहंदी लगा के और फिर अपने नीचे के भागों को अच्छी तरीके से मेहंदी लगा देंगे। अब हम अपने नीचे के बालों में अच्छी तरीके से मेहंदी अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से इसको नीचे तक हम मेहंदी को पूरा अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे। अपने हाथों पे पहले अपने हथेलियों पे मेहंदी लगा के या फिंगर पे मेहंदी को लगा के और अपने पूरे बालों में इसको हम धीरे धीरे ग्रीस करेंगे ताकि हमारे बालों में अच्छे तरीके से मेहंदी लगे और फिर जो नीचे का भाग है उस पर हम मेहंदी अच्छे तरीके से लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बालों में जो है वो अच्छे तरीके से मेहंदी लग गई है। बालों में देखिए आप अच्छे तरीके से मेहंदी लग गया है। अब हम अपने बालों का एक सिंपल सा मेहंदी बन तैयार कर लेंगे और तैयार करके एक क्लचर से हम इसको होल्ड कर लेंगे और अपने बालों को 2 से 3 घंटे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम अपने बालों को वॉश करेंगे ताकि हमारे बालों में जो मेहंदी है अच्छे तरीके से लगे और उसका अच्छा रंग आए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। सो फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। और प्लीज़ फ्रेंड, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिए सब्सक्राइब करने के बाद, उसी के थ्रू आपको मेरे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।